गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को अफोर्डेबल हॉल बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हॉल। और इसमें जो मैंने ड्रेसेस लिए हैं ना, 10 ड्रेसेस हैं टोटल, मोस्टली सारे 400 के अंदर हैं। और आपको 400 के अंदर कैसे मिलेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। ऐसे आपने देखा होगा टाइटल में कि ये फ्लिपकार्ट हॉल है, बट एक्चुअली मैंने ये सारे जो प्रोडक्ट है वो मंगवाए हुए शॉपसी से। शॉपसी एक रीसेलिंग ऐप है जो कि मीशो के टाइप की ऐप है, और वहाँ पर आपको ना फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट हैं फ्लिपकार्ट से बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा मार्जिन होता है। मतलब फ्लिपकार्ट में जितने में आपको मिल रहा है ना, वही सेम आइटम सेम ब्रांड आपको शॉपसी में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। ऑल्सो जो पैकेजिंग है एंड जो डिलीवरी पर्सन है सारा फ्लिपकार्ट का ही रहता है। आप देख सकते हो सारे जो प्रोडक्ट है मुझे फ्लिपकार्ट के ही पैकेजिंग में रिसीव हुए हैं। और शॉपसी में भी आपको रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी मिल जाती है, आई थिंक 15 डेज की है। और जब आप फर्स्ट टाइम शॉपसी से ऑर्डर करते हो ना, तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है। आपने यदि शॉपसी नहीं यूज़ किया है तो आप किसी भी आइटम को ऑर्डर करोगे तो आपको वो 100 रुपीज़ कम में मिलेगा। इस तरह से आपको ये सारे ही ड्रेसेस मिल जाएंगे 400 रुपीज़ के अंदर। और चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने सारे ड्रेसेस को ओपन भी नहीं किया हुआ है, मुझे लगा था मैं अनबॉक्सिंग काइंड ऑफ वीडियो करूंगी, बट आप ये समझ जाना कि जो भी मैं अभी ओपन करके देख रही हूँ ये फर्स्ट ही इंप्रेशन है, क्योंकि मैंने इसे ओपन नहीं किया है, अनबॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अफोर्डेबल हॉल की बात कर रही हूँ तो अफोर्डेबल हॉल में मैं आपके लिए शॉपी की भी हॉल लाने वाली हूँ। शॉपी भी एक बहुत ही अफोर्डेबल ऐप है जिसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, इसकी प्राइस स्टार्ट होती है ओनली 29 रुपीज़ से। तो नेक्स्ट कुछ ही दिनों में वो वीडियो आ जाएगी। मैंने शॉपी से बहुत सारी शॉपिंग की है, छोटे 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 अमाउंट करके ना बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। सो अभी मैंने सारे पैकेट्स को ओपन कर लिए और सारे ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आए हैं, एक भी ऐसा पीस नहीं है जो मुझे डिफरेंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपको इनके लिंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि आई थिंक शॉपसी में लिंक नहीं होते हैं। आपको मैं उनके नेम ही प्रोवाइड कर सकती हूँ, सेम नेम को शॉपसी में सर्च करोगे तो आपको ये आइटम मिल जाएगा। इसमें से मैंने मोस्टली जो है वो ब्रांडेड आइटम ही लिए हैं, तो आपको सर्च करने में भी ईजी हो जाएगा। जो फर्स्ट ड्रेस है ये सारे ही शॉर्ट ड्रेसेस है, एक या दो ही होगा जो थोड़े लेंथ में ज़्यादा होगा, अदरवाइज सारे ही शॉर्ट ड्रेसेस हैं। समर आने वाली है तो समर के लिए इजी ब्रीजी बहुत ही ज्यादा फ्लोई वाली ड्रेसेस हैं यहाँ पे, तो मुझे सारे ही ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे थे इसलिए मैंने इनको मंगाया हुआ है। तो फर्स्ट जो ड्रेस है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा था मुझे, और ये है ब्रांड टोक्यो टॉकी से, एंड ये है कुछ इस तरह के लाइट पर्पल एंड डार्क पर्पल के कॉम्बिनेशन में। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्रेस है। आपको सामने में कुछ इस तरह की नेक मिल जाएगी, यहाँ पे इलास्टिक लगाई हुई है, इस तरह की स्लीव्स हैं, नॉर्मल सी स्लीव्स है, स्लीवलेस नहीं है, बट इस तरह से आपको रफल मिल जाएंगे। और ये आपके नी के थोड़े ऊपर तक आएगी, नीचे के साइड में भी इस तरह के रफल बनाए हुए हैं। और बस नॉर्मल से सिंपल से ड्रेस है जो मिली है मुझे अंडर 500 रुपीज़, और आप इसे परचेस करोगे फर्स्ट टाइम शॉपसी से तो आपको ये 400 रुपीज़ के अंदर में ही मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है, पहनने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। इन सारे ही ड्रेसेस में मैंने अपना साइज लिया हुआ है मीडियम। नाउ जो नेक्स्ट ड्रेस है ना, इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। मुझे ये डार्क बॉटल ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको ग्रीन कलर में लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको फ्रंट एंड बैक में वी नेक मिल जाएगी, साथ में आपको यहाँ पे इस तरह के बेल स्लीव्स मिल जाएंगे। स्लीव्स का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और पूरे ही ड्रेस में ना आपको इस तरह की थ्रेड एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, पिंक एंड ग्रीन कलर के फ्लावर्स एंड लीव्स बनाए हुए हैं। और ये शॉर्ट ड्रेस है, आपके नी के थोड़े ऊपर तक आएगी, बहुत ही सुंदर फ्लोरल ड्रेस है। इसमें एक लाइट पिंक कलर भी था, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बट मैंने सोचा कि पिंक तो मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा मंगवाती हूँ, इस पर मैं ग्रीन मंगवाती हूँ, तो ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक 350 रुपीज़ के आसपास में ये ड्रेस मिल रहा है शॉपसी में, और जो मतलब बहुत ही अमेजिंग प्राइस है। नाउ जो नेक्स्ट ड्रेस है ये भी है ब्रांड टोक्यो टॉकीज से, और इसमें टोक्यो टॉकीज में ना बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं समर के लिए। तो इसमें आपको ना स्लीव्स वाला भी पैटर्न मिल जाएगा, बट मैंने स्लीव्स वाला पैटर्न नहीं लिया है, मैंने कुछ इस तरह का पैटर्न लिया हुआ है जो कि हाई लो पैटर्न में है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, बहुत ही लाइट सी ग्रीन कलर प्लस ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन है। सामने में आपको इस तरह की वी नेक मिल जाएगी, इस तरह के स्ट्रेप्स हैं जो कि एडजस्टेबल है। इसका प्रिंट मुझे बहुत ही यूनिक बहुत ही सुंदर लगा था, और ये आप देख सकते हो ये हाई लो पैटर्न में है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मॉडल पे पहना हुआ, इसलिए मैंने इसको मंगाया हुआ है। एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट फैब्रिक है, पहनने भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और आप इस तरह की ड्रेसेस पहनते हो ना तो डेफिनेटली इसको परचेस करना, क्योंकि इसका कलर एंड प्रिंट दोनों बहुत ही यूनिक है। नाउ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लिपस्टिक, जो कि ममाअर्थ के न्यूली लॉन्च लिपस्टिक है, एंड ये नॉर्मल लिपस्टिक नहीं है। इनमें कितनी सारी खूबियाँ हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट तो इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, इन्होंने टोटल 9 सेट्स लॉन्च किए हैं, और पैकेजिंग आप देखो कुछ इस तरह की लिपस्टिक है, और यहाँ से इसको आप ऐसे ड्रॉअर के जैसे
ऐसे ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाती है एक बहुत ही खूबसूरत सी ममार्थ की लिपस्टिक। पैकेजिंग तो अमेजिंग है ही, बट इस लिपस्टिक में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये सिर्फ लिपस्टिक नहीं है, ये आपके लिप्स को एक प्यारा सा कलर तो देते ही हैं, साथ में आपके लिप की केयर भी करते हैं, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करते हैं, क्योंकि इसमें है एवोकाडो एंड वाइटमिन ई जो कि आपके लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। साथ ही में इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है तो वो भी आपके लिप्स को मिलती है। ऑल्सो इसमें वाइटमिन ई है तो ये आपके लिप्स के पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इतनी सारी खूबियां हैं इस लिपस्टिक में, जबकि हम सोचते हैं यार लिपस्टिक हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारे लिप्स के लिए अच्छा नहीं है, बट ये लिपस्टिक ही इतनी ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिप्स के लिए कि आप बिना डरे इस लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हो। प्लस इनके कलर्स इतने ज़्यादा खूबसूरत है, मैं सारे की आपको स्वेचेस दिखा दूंगी अपने हाथों पर, और जो मेरे दो फेवरेट है वो मैं अपने लिप्स पर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं इनको जब से ये मेरे पास आया ना तब से ट्राई कर रही हूँ और मुझे ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो ये लिपस्टिक 9 ब्यूटीफुल कलर्स में अवेलेबल है, प्लस बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। आप जैसे ही अपने लिप्स पे अप्लाई करते हो ना कलर बहुत ही अच्छा आता है, कलर पे वो बहुत ही अच्छा है। प्लस ये स्मज प्रूफ है तो ये जल्दी स्मज नहीं होता है और लंबे टाइम तक आपके लिप्स पे टिका रहता है। जब आप अप्लाई करते हो ना ऐसा लगता है जैसे कि आप लिप बाम अप्लाई कर रहे हो, पर अप्लाई करने के जस्ट तुरंत बाद ना ये लिपस्टिक बिल्कुल ड्राई हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं और लिपस्टिक बिल्कुल ड्राई हो जाती है, मतलब वो ड्राई हो जाती है और उसके बाद इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, प्लस आपके लिप्स भी मॉइस्चराइज रहते हैं। मतलब ये लिपस्टिक आपके लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, ये 8 आवर्स तक आपके लिप्स पे मॉइस्चर को लॉक करके रखती है। साथ ही में ये 12 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, स्मज प्रूफ है, लाइट वेट है और नॉन ड्राइंग फॉर्मूला से बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है। ऑल्सो ये लिपस्टिक मेड सेफ सर्टिफाइड है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो और क्या चाहिए आपको एक लिपस्टिक में, जैसे कि आपके लिप्स को कलर करने के साथ साथ में ये आपके लिप्स की केयर भी कर रही है। तो मुझे ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो आपको भी इनको परचेस करना है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये लिपस्टिक आपको नायका, अमेजोन एंड ममाअर्थ की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। प्लस यदि आप ममाअर्थ की वेबसाइट से परचेस कर रहे हो ना तो आपके लिए ये कूपन कोड जिसको यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिल जाएगा ममाअर्थ की ऐप एंड ममाअर्थ की वेबसाइट पर। ऑल्सो गाइज, जब भी आप ममाअर्थ की वेबसाइट पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं एक प्लांट से जो कि वो खुद प्लांट करते हैं, एंड ममाअर्थ का टारगेट है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का, तो इसमें हमें डेफिनेटली उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऑल्सो ममाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है जो कि एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, और ऐप डाउनलोड करने में फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपको सारे ही सेल्स में अर्ली एक्सेस मिल जाएगा और काफ़ी सारे ऑफर एंड डिस्काउंट भी मिलते रहते हैं। सो ममाअर्थ ऐप की डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नाउ जो नेक्स्ट आइटम है ना ये मतलब मस्ट हैव आइटम है, एक तरह से गाउन बोल सकते हो आप गर्मियों के लिए, फ्लोरल गाउन। पर इसमें जो फ्लोरल डिजाइन है, जो येलो कलर के फ्लावर्स बनाए हुए हैं ना, इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कलर है। और ये जो आप बेस कलर देख रहे हो ना, ये ऑफ वाइट या क्रीम टाइप का कलर है जिसमें किस तरह के फ्लावर्स बनाए हुए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है देखने पे। प्लस ये पूरी फुल लेंथ की इस तरह की ड्रेस है, ये कुछ इस तरह की फुल लेंथ की ड्रेस है, पूरे ड्रेस में आपको कुछ इस तरह के फ्लोरल डिज़ाइन मिल जाएगी, येलो कलर के रोज़ बनाए हुए जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है इस ड्रेस में, और ये है ड्रेस ब्रांड शीतल एसोसिएट्स से, और इनके ड्रेसेस काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपको भी ये ड्रेस पसंद आ रही है तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है प्लस इसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नाउ जो नेक्स्ट ड्रेस है ना, ये किसी ब्रांड से नहीं है, और ये ड्रेस मैं बहुत टाइम से बहुत सारी वेबसाइट पे देखती थी, बट यहाँ शॉपसी में मुझे इतना अफोर्डेबल मिला, 300 रुपीज़ में मिला, तो मुझे लगा ये ड्रेस मुझे मंगवा के देखना ही चाहिए। और एक्चुअली में ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है, जैसा दिखाया गया था सेम टू सेम वैसा ही आया है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सिफोन मटेरियल है, और ये लाइट पिंक एंड रेड के कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है। और इसमें स्लीव्स आपको कुछ इस तरह के मिल जाएंगे, स्लीवलेस नहीं है ये, इसमें स्लीवलेस एंड विथ स्लीव्स दोनों टाइप के आइटम मैंने रखे हुए हैं। तो आपको स्लीवलेस नहीं पसंद है तो आप इस तरह के ड्रेसेस देख सकते हो, मुझे कमेंट आते हैं कि मैं सिर्फ स्लीवलेस दिखाती हूँ तो ड्रेसेस मैं नहीं बनवा रही हूँ, मुझे जो ड्रेसेस अच्छे लगते हैं उनमें स्लीव्स नहीं होती है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो इस तरह की ड्रेस है ये, इसकी लेंथ प्रॉपर है, आपकी नी तक आ जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है ये ड्रेस पहनने पर, अंदर में लाइनिंग भी लगाई हुई है। इसमें बहुत सारे रिव्यूज़ थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी फोटोज डाली हुई थी, सभी बहुत सुंदर लग रहे थे, इसलिए मैंने इस ड्रेस को मंगाया है। और एंड ये ड्रेस भी आपको पसंद आ रही है तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस है।
नाउ जो नेक्स्ट ड्रेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था और इसका कलर बहुत ही प्यारा फुशिया पिंक कलर है। तो ये भी है ब्रांड शीतल एसोसिएट से और ये कुछ इस तरह की ड्रेस है। इसकी जो पफी स्लीव्स है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। प्लस इसका जो स्ट्रेट फिट है ना, बहुत ही अमेजिंग लगता है पहना हुआ। कलर देख रहे हो आप, कलर बहुत ही ब्राइट है। किसी भी पार्टी फंक्शन आउटिंग के लिए कहीं घूमने जा रहे हो तो इस तरह के ड्रेसेस पहनने के बाद ना फोटोज़ इसमें बहुत अच्छे लगते हैं और आप बहुत खिल जाते हो इस तरह के कलर्स में। और ये डिज़ाइन जो है ना, बिल्कुल डिज़ाइनर पैटर्न ही लगता है। कितना महंगा ड्रेस पहना हुआ है, जबकि ये है ओनली 400 रुपीज़ की। तो ये भी ड्रेस आपको पसंद आ रही हो तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। इसका नेक का पैटर्न जो यहाँ पर आता है ना, इस तरह से लाइनिंग बनी हुई, बहुत ही सुंदर लगता है। प्लस ये पफी स्लीव्स हमेशा ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो कुर्तीज़ में हो, ड्रेसेस में हो, शॉर्ट ड्रेसेस में हो, सब में ये पफी स्लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ब्लाउजेस भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं इस तरह के स्लीव्स के साथ, बट पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि अभी कोई फंक्शन ही नहीं है। तो ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसका जो फैब्रिक है ना, फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फाइन क्वालिटी है। सामने भी आ जाओ ना किसी को, तो कोई नहीं बोलेगा कि ये किसी लोकल ब्रांड की मतलब ड्रेस से लगेगा कि आपने किसी अच्छे ब्रांड की ड्रेस पहनी हुई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। नाउ जो नेक्स्ट ड्रेस है वो एक मैक्सी ड्रेस है और उसमें थ्री पैटर्न अवेलेबल थे। तो इमेज में मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा दिख रहा था, बट यह सामने से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, अच्छा है, ओके ओके टाइप का है। समर में घर पे पहनने के लिए काफ़ी अच्छा ड्रेस है ये। इस तरह के स्ट्रेप्स मिल जाएंगे और यह सामने का पार्ट जो है इलास्टिकेटेड है। इस तरह के पैटर्न आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे, प्रिंट के साथ या फिर सॉलिड कलर में, सभी तरह के अवेलेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। मरून में इस तरह के वाइट एंड ब्राउन कलर के लीव्स बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर पैटर्न है इसका भी और इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लेयर दी हुई है। तो समर में इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हो तो इसके ऊपर में डेनिम जैकेट जो क्रॉप्ड आते हैं वो भी पहन लो तो इसके साथ अच्छे लगते हैं। आप वाइट भी पहन सकते हो, वाइट डेनिम जैकेट या फिर कॉटन की श्रग है तो उसके साथ भी आप इस ड्रेस को पहन सकते हो तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो डिफरेंट टाइप्स आप इसको स्टाइल कर सकते हो, इसके साथ में स्कार्फ लोगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह के जो अफोर्डेबल ड्रेसेस होते हैं ना, इसको आप किसी किसी चीज़ के साथ मिक्स एंड मैच करके लाइक श्रग के साथ या फिर जैकेट के साथ या फिर स्कार्फ के साथ इसको और भी अच्छा लुक दे सकते हो, जिससे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और टोटल जो आउटफिट है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो ये भी ड्रेस कॉटन की फैब्रिक में है, अच्छी फैब्रिक है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली कॉटन नहीं है, थोड़ी थिक कॉटन है, बट फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है। कलर इसका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और आप इस तरह के ड्रेसेस पहनते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट ड्रेस है ना, ये सेम ड्रेस मैंने अर्बैनिक में देखा हुआ था और वो कुछ 1500 रुपीज़ के आसपास में था। तो जब मैंने इसको देखा शॉपसी में तो मैंने सोचा कि इसको मैं मंगवाती ही हूँ। तो इसमें आपको नेक में ना कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसमें जो आपको स्लीव्स मिलेंगे वो टाई करने के लिए है, इस तरह से आपको डोरी दी हुई है, इसको आपको टाई करना है। मैंने मीडियम साइज़ में लिया हुआ है और ये बहुत ही अच्छी फ्लेयर वाली फ्लोरल ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी मुझे ये। ये भी सॉफ्ट सिफोन की मटेरियल है, इसमें भी अंदर लाइनिंग लगाई हुई है, फ्लोरल डिज़ाइन इसकी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। पेस्टल कलर में इस तरह के जो छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सारे ही ड्रेस जो है ना समर अप्रोप्रिएट है, आप समर में डेफिनेटली इन ड्रेसेस को पहन सकते हो और अच्छे से स्टाइल कर सकते हो इसको। जैसे मैंने आपको बताया छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके आप इसको अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। तो ये ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छी फ्लेयर है इसमें, 3 लेयर वाली फ्लेयर है, जैसा कि आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3 लेयर वाली फ्लेयर है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें पहनने पे भी कंफर्टेबल है, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, स्टाइलिश है। तो ये भी ड्रेस अफोर्डेबल है, आप ज़रूर इसको परचेस कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट ड्रेस है ना, ये मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मतलब इसकी क्वालिटी सामने से उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फोटो में ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, अभी इस तरह की लेयर वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा चली हुई है, शर्ट स्टाइल मतलब ऐसा लगता है जैसे आपने शर्ट एंड स्कर्ट पहना हुआ है। तो इस तरह की है ये वाली ड्रेस, यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे और यहाँ पे ये कॉलर डिज़ाइन है, साथ में यहाँ पे आपको हाफ स्लीव्स मिल जाएगी और नीचे के साइड में ना इस तरह की आपको 3 लेयर मिल जाएगी पॉलिस्टर फैब्रिक में, 4 लेयर मिल जाएगी, नी तक आती है। इसमें भी कलर्स अवेलेबल थे, मैंने यहाँ पे मरून कलर में लिया, फोटो में अमेजिंग दिख रहा था ये। सामने से भी ओके ओके टाइप, मतलब जिस प्राइस में ये मिल रहा है 300 या 400 रुपीज़ में, उस प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, बट बाकी ड्रेसेस से कंपेयर करूँ तो ये उतना ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। इस तरह से आपको 4 लेयर मिल जाएगी इस ड्रेस में और ऑल्सो इस ड्रेस के साथ में आप कुछ इस तरह की बेल्ट दी हुई है, पतली सी बेल्ट है बट इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, मुझे सामने से इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। नाउ जो नेक्स्ट ड्रेस है ना, ये इसका पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये पिंक एंड पर्पल के कॉम्बिनेशन में है, फोटो में बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था। ये भी सेम वही पैटर्न है, ऊपर में ये इलास्टिकेटेड है और नीचे से कुछ इस तरह की जॉर्जेट की पूरी फैब्रिक के अंदर में लाइनिंग लगाई हुई है। ये कलर पैटर्न जो प्रिंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है।
ये पूरी फुल लेंथ की ड्रेस है, अच्छी इसमें इलास्टिक आपको प्रोवाइड की गई है, ये भी पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके साथ में भी आप चाहो तो स्कार्फ वगैरह ऐड कर सकते हो और इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए, और प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वर्थ लगी मुझे। ना जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये लिपस्टिक जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है एंड स्मज प्रूफ है, तो मैंने इसको अप्लाई किया था लगभग दोपहर के 12 बजे और अभी रात के 9 बज रहे हैं। मैं अपना मेकअप रिमूव करने जा रही हूँ, फिर भी देख रहे हो आप यहाँ पे लिपस्टिक, ये अभी भी मेरे लिप्स पर है। इस लिपस्टिक से आपके लिप्स ड्राई भी नहीं होते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपके लिप्स पर स्टे करता है। सो गाइज, ये थे वो सारे ड्रेसेस जो मैंने परचेस किए हुए थे शॉपसी से। ये सारे ड्रेसेस फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल हैं। आप बोलोगे तो मैं दोनों के ही लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, फ्लिपकार्ट के लिंक और शॉपसी के नेम, तो आप उसके अकॉर्डिंग सर्च कर लेना। शॉपसी में आपको ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको बोलूँगी आप शॉपसी से ही परचेस करना। एंड बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।